अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट लगा फिर आपके सामने हाजिर है। उठ चुका हूँ, फ्रेश हो गया और नाश्ता कर लिया और आज बाइक भी ख़राब है और अभी जो है हमारी कुरवातुल हुस्ना को छोड़ ले जाना और हमारी आयशा नाश्ता कर लिए, हमने नाश्ता कर ली है। तो चले अब कुरवातुल हुस्ना को मदरसे छोड़ के आते हैं और उसके बाद जो है बाइक का करना है और हमारे गंजू को भी गंजा करना है। तो चलें और वह को छोड़ के आते हैं, फिर गंजू को गंजा करते हैं, फिर बाइक से ही करवाने जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो अपना मैं अपना भतीजी को छोड़ के आ गया और नहा के मैंने चेंज नहीं किया, मैंने यही पहन लिया अभी। और अब चलते हैं बाइक बनवाने, और क्योंकि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का वलीमा भी है जिसका मैंने अपना बारात का डाला था व्लॉग, तो उसका वलीमा भी आज, तो वहाँ भी जाना है। तो पहले मैकेनिक के पास चलते हैं, उसके बाद जो है वो चलते हैं अब आए ना लाइन पे कुप्पी के घर, पहले सोएंगे आराम से क्योंकि वली में मैं शाम में जाना है। तो फिर उसके बाद जो है तैयार होंगे और अभी जो है वो मैं अपना सदाबहार कोट जो है वो निकाल लूँ। ये वाला कोट पहनेंगे और पैंट और मैंने टी शर्ट तो रख ली है। तो चलें, ये भाई का लिफाफा भी उठा लें, ये लिफाफे, क्योंकि लिफाफों के बगैर तो कहानी नहीं होती ना वलीमे में शादियों में। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चले फिर, मैं रेडी हूँ, फिर मिलते हैं डायरेक्ट मैकेनिक के पास। तो इंतज़ार कीजिए जब तक, आई लव यू। हाँ जी, तो अपना हम आ चुके अपने पुराने इलाके में, पुराने घर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पड़ोसी इरफान भाई भी खड़े हुए। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रैफिक होगा और आवाज़ थोड़ी सी बड़ी मुश्किल से आएगी, और इरफान भाई माशाल्लाह सही है, इरफान भाई ने चिकन बिरयानी भी लगाई हुई है। रोल समोसे तो इनके मशहूर थे। अभी मैकेनिक के पास से आया मैं, तो अब मैं ये देख रहे हैं आप, तो अब चलते हैं कुप्पी के घर जाएंगे, बैग रखेंगे, सामान रखेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, इरफान भाई से मिलेंगे फिर, और फिर इरफान भाई से खाएंगे रोल समोसे। और इनका थोड़ा सा कह रहे हैं कि व्लॉग में सही से थोड़ा लें, तो चलें फिर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं अपना अभी पप्पी के घर पे आ चुका हूँ, अपना मैकेनिक को बाइक दे दी और अभी चाय पी रहा हूँ। पंखा चल रहा है, आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है सही नहीं है, चल झूठा। और अभी मैंने अपनी कज़न को कपड़े भी अभी से दे दिए इस्त्री के लिए। चीटिंग 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 करता है तू, तो इस्त्री करके रख देगी क्योंकि इनको भी वलीमे में जाना है, मुझे भी वलीमे में जाना है। रहा नहीं जाता यार, फर्क इतना है कि इनको रिश्तेदारों में जाना है, मुझे दोस्त के वलीमे में जाना है। तो चलें चलते हैं नीचे, थोड़ा सा चक्कर मारते हैं क्योंकि मैं अपने पुराने घर को देख देख के अपनी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। तो चले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। अच्छा, दिन पड़ा हुआ है, पूरी शाम पड़ी हुई है, 9 बजे जाना है अपने को, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा ब्रेक। हाँ जी, तो भाई का वलीमा और भाई फूल लेने निकला हुआ है, ये आप देख सकते हो मेरा गरीब दोस्त। आज वलीमा है भाई का और हम लोग फूल लेने आए, ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे सारे फूल लगे हुए और अभी ये चल रहा है ये फूल का सिस्टम। तो हम लोग यहाँ जुबली औदी मार्केट में खड़े हुए और ये भाई फूल ले रहा, इसका वलीमा आज ये बेचारा फूल लेने निकला है, गजब बेइज्जती है। शादी के बाद यही होता है, तो तभी मैं अभी तक कुंवारा हूँ भाई। तो चले हैं, अब इसको फूल दिला, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो ये एहसन के कजन का बेटा और दूल्हा जो है वो अब तैयार हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, बेचारा मजबूर दूल्हा ही हमारा। कि पहले बेगम को सामान दिया, अब खुद तैयार हो रहा है, क्या करूं मैं अपने गरीब दोस्त का, समझ नहीं आ रहा, मेरे को देख के हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। तो अभी भाई तैयार हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं और भाई को घर छोड़ते हैं, ये तैयार हो फिर इसके डायरेक्ट वली में मैं चलते हैं। तो वेट कीजिए, फिर बात करते हैं।
आज ही तो अपना दूल्हे राजा को अभी घर छोड़ दिया, वो बेचारा मजबूर दूल्हा, क्या बोलूँ मैं। तो मैं भी अभी थोड़ा जो है वो अपना रेस्ट कर रहा हूँ यार, थक गया थोड़ा मैं भी, तो अब चले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद तैयार होते हैं, उसके बाद फिर हॉल पर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारा मजबूर दूल्हे की कहानी, सारे दोस्त यारों की जबानी। तो चले फिर चलते हैं। हाँ जी, तो हम हॉल पे पहुँच गए, तैयार हो गए हम, और ये पीछे जाके ये दूल्हे के भाई जो है इंतजार कर रहे हैं अपने भाई का, लोग इंतजार कर रहे हैं दूल्हे का, वो आ जाए तो हम अंदर एंट्री मारे, क्योंकि यार और एक मिनट बहुत बेचैनी से इंतजार है। और ये हमारे भाई, अगर पुलिस की गाड़ी आ जाए तो हम इनको गिरवी रखवाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि हॉल का टाइम वैसे ही कम है। अच्छा चले अंदर जाके बात, लिफाफा भी नहीं दे रही है, लिफाफा तो मैं भी नहीं दे रहा, तो चले फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो पीछे आ गए दूल्हे राजा भी, और हम लोग बैठे हैं खाने के टेबल पे, और ये देखें आप दूल्हे को देख के सारा ऐसे तो नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई? अच्छा, इनको आप अपनी शक्ल भी देख के बात करना जरूरी है, ये देखेंगे कम और अपने बाल ज्यादा बनेंगे। तो चले थोड़ी देर में बात करते हैं, खाने का इस भुखड़ को कुछ करूँ मैं। हाँ जी, तो खाना खा लिया, खाना खिला भी दिया, और इस बंदे ने बड़ा मन के खाया है, दो बार खाया इसने, ऐसे तो नहीं होता है। और ये आप देख सकते हैं सारे लाइन से बैठे हुए, ये फुरकान भाई मन रहे हैं, ये ये देखें, ये फुरकान भाई ने शक्ल दिखाई, सारे लाइन से बैठे हुए सब ने खाया मंड के, और अभी भी खा रहे हैं। आसान चिल्ली भी खा रहे, गजब बेइज्जती है। इस बंदे ने बहुत खाया है, तो भाई बहुत, लिफाफा एक रुपए का नहीं देना। और अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा वो लिफाफा देना है, तभी मैंने खाया भी है। और ये हमारे उजैर भाई चेयरमैन, इन्होंने खाना खिलाया भी और एंड में खाया है। हाँ, तो ये आप देखें एक बार, फिर देखें मंड मंड के अभी भी नहीं रुक रहे हाथ इनके। तो चले अब देखते हैं आगे क्या सीन है, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो आपने देख लिया, सबने खा लिया, पर ये देखें आप, ये शख्स टिप्पल तीसरी बार खा रही है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ये देखे कितना बड़ा मुंह खोल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आयल में दूध मिला रहे हम लोग, गजब बेइज्जती है। ये देखें आप, ये भी देखें आप। अवेश भाई इस बारे में बताएंगे, अवेश भाई ने तो खाना खिलाया। अवेश भाई ये बात इसने सही बोली कि दूसरों के टेबल से भी उठा उठा के इसने मीठा खाया है, छोड़ा हुआ वो भी। तो आप देख रहे हैं गर्मी भी बड़ी शदीद हो रही है, तो चले अब दूल्हे के पास चलते हैं और दूल्हे से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। और भाई आज हमारे ऐशन भाई का वलीमा है, तो मैं भाई को लिफाफा दे रहा हूँ, मैंने किसी दोस्त की शादी में आज तक लिफाफा नहीं दिया, आज ऐशन भाई को पहली बार दे रहा हूँ। ऐशन भाई मैं बहुत बहुत खुश नसीब होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो ना? कंट्रोल। हाँ जी, तो मैं अपना जो है अब वलीमे से घर आ गया, चेंज मैंने शर्ट कर ली थी वहीं कर ली थी, और टाइम नहीं था क्योंकि लेट हो रहा था, तो अब चले फ्रेश होता हूँ मैं। और ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नहीं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और मेरी वाइंस का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और दुआ कीजिएगा न्यू कपल्स के लिए, कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और वो तो दोस्ती आ रही थी तो वो मजाक मस्ती चलती है। तो चलें, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।